सब्सक्राइब करो टेक्निकल स्टार चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हो टेक्निकल स्टार के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है और हम सभी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम आपका साथ व्हाट्सएप की ऐसी कुछ नया ट्रिक्स शेयर करने वाले, जो ट्रिक्स आप भी यूज़ करके आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो और आपका जो व्हाट्सएप यूज़ करने की एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकती हो। इसी तरह की नया टेक्नोलॉजी ट्रिक्स एंड टिप्स का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गो स्टार्ट। इस वीडियो में मेरा सबसे पहले वाला जो ट्रिक है उसका नाम है हार्ड एनिमेशन। आप कैसे इस तरह का हार्ड लीव एनिमेशन किसी को भी सेंड कर सकती हो, उसके लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड को ओपन करना है। चलिए मैं कीबोर्ड को ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद इमोजी पर क्लिक करना है। इमोजी पर क्लिक करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो हार्ड है इसको आप 3 टाइम पहले सेंड करना है। तो उसके बाद 2 सेंड करना है, उसके बाद 1 सेंड करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक आपका जो हार्ड है वो बिल्कुल एनिमेशन बन जाएगा। उसके बाद आप जितना चाहो आप सेंड करते जाओ, वो बिल्कुल एनिमेशन बनता ही जाएगा। इस तरह से आप किसी को भी हार्ड एनिमेशन सेंड कर सकती हो। उसके बाद जो मेरे ट्रिक नंबर 2 आता है, दोस्तों हम लोग कैसे किसी को भी HD क्वालिटी में कैसे फ़ोटो को सेंड कर सकती है। जो हम सेंड करेंगे उसका कोई लो क्वालिटी नहीं होगा, जो रिसीव करेगा उसका भी HD क्वालिटी में ही जाएगा। हम लोग जो सेंड करते हैं उसको जल्दी भेजने के लिए WhatsApp क्या करता है, उसको लो करके उसको सेंड करता है। लेकिन आप भी अगर HD क्वालिटी में किसी को सेंड करना चाहती हो, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मीडिया जो आइकॉन दिख रहा है नीचे, उस मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका खुल जाएगा। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल खुल जाएगा। गैलरी से आप कोई भी फोटो को यहाँ से चॉइस कर लीजिए। चलिए मैं इसको सेंड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद आपको सेंड करना है। चलिए मैं इसको सेंड कर दिया। ये एकदम बिल्कुल HD क्वालिटी में ही सेंड होगा, आप लोग देख सकती हो। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ओपन करके। बिल्कुल देखिए, आप लोग HD क्वालिटी में ही सेंड होगा, ये कोई लो क्वालिटी नहीं होगा। इस तरह से आप किसी को भी HD क्वालिटी में फोटो सेंड कर सकती हो। इसका बाद जो मेरा ट्रिक नंबर 3 आता है, WhatsApp बम्बिंग। WhatsApp बम्बिंग ऐसी एक एप्लीकेशन है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आप लोग जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक ही मैसेज को आप एक क्लिक में आप जितना चाहो आप सेंड कर सकते हो। 100-200 आप जितना चाहो एक ही मैसेज को आप सेंड कर सकते हो। जैसे आप लोग ऐसे देख सकती हो, हेलो हाउ आर यू, एक ही मैसेज को आप एक क्लिक में आप जितना चाहो सेंड कर सकती हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन जिसका नाम है WhatsApp बम्बिंग, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आप लोगों को मैं दिखाते हूँ। तो चलिए इसको मैं सिंपली इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद आप इस तरह का टेक्स्ट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर आप जो लिखना चाहती हो तो यहाँ से आप लिख सकती हो। चलिए मैं यहाँ पर हेलो लिख कर दिखाती हूँ। हेलो लिखा, उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट भर दीजिए, आप कितना बार इस मैसेज को सेंड करना चाहते हो। चलिए मैं 200 भर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेंड पर क्लिक करना है। चलिए मैं सेंड पर क्लिक किया। उसके बाद आप जिसको सेंड करना चाहती हो उसको आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकती हो। तो चलिए मेरे एक नंबर में सेंड करके दिखाती हूँ, जियो नंबर पर मैंने एक सेंड कर दिया। उसके बाद सेंड पर क्लिक करके आप लोग देख सकती हो 200 बार मेरी इस हेलो सेंड हो गया। इस तरह से आप किसी को भी एक ही मैसेज एक ही क्लिक में किसी को भी सेंड कर सकती हो। तो ये था मेरा ट्रिक नंबर 3। इसका बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्रिक आता है, रीड बाय। इस दोस्तों हमारा पास बहुत सारे ग्रुप होता है। चलिए मैं एक ग्रुप ओपन करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर इंडिया टेक एक ग्रुप है, आप लोग देख लीजिए। इस ग्रुप में अगर हम कुछ भी सेंड करते हैं उसमें ब्लू टिक नहीं आता है, क्योंकि वो अगर कोई रिसीव करता है तो हम लोगों को नहीं पता चलता है कि कोई उसको कौन उसको रीड किया कौन उसको रीड नहीं किया, हम लोगों को नहीं पता चलता है। चलिए मैं इसको यहाँ पर कुछ टाइप करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ही टिक आया, तो हम लोगों को नहीं पता चलता है कौन इसको रीड किया। उसके लिए आप अगर जानना चाहती हो कौन इसको रीड किया, उसके लिए आपको सिंपली अब जो सेंड किया उसको आप सिंपली टैप करना है सबसे पहले। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले इसको टैप करती हूँ, उसको यहाँ से इसके लिए टैप करना है। टैप करने के बाद इस आई वाला आइकॉन आप लोगों को ऊपर में जो दिख रहा है उस आई वाला पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो रीड बाय, हेलो फ्रेंड्स हमने जो लिखा उसको आप रीड मेरी 4
यहाँ पर देख आप लोग देख सकती हो मेरी ग्रुप में 4 मेरे फ्रेंड्स ने इसको रीड किया, और बाकी नीचे आप लोग देख सकती हो डिलीवरी टू, डिलीवरी ऑलरेडी हो गया लेकिन उसको अभी तक इसको रीड नहीं किया। इस तरह से आप चेक कर सकती हो आपका मैसेज कौन इसको रीड करता है। उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रिक आया है, अगर आप लोग ये बहुत सारे व्हाट्सएप में बहुत सारे कॉन्वर्सेशन होते रहते हैं, बहुत सारी चैटिंग होते रहते हैं, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एक कॉन्वर्सेशन का उसका अगर आप रिप्लाई करना चाहती हो, अगर आप चाहती हो यहाँ पर आप लोग देख सकती हो नेट कैसे फ्री चलती है, कोई भी एक अगर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन का एक रिप्लाई करना चाहती हो तो उसके लिए आपको जिस कॉन्वर्सेशन का आप रिप्लाई करना चाहती हो उसको आप सिंपली आपको टैप करना है। चलिए मैं इसका रिप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए मैं इसको रिप्लाई करने के लिए उसको टैप करनी है। टैप करने के बाद इस एरो पर क्लिक कीजिए। इस एरो पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस पर जो उसका रिप्लाई देना चाहती हो यहाँ से आप रिप्लाई दे सकती हो। चलिए मैं यस लिखा, अब सिंपली मेरी उस चैटिंग का यहाँ से रिप्लाई हो गया। आप इस तरह से आप किसी को भी रिप्लाई कर सकती हो। तो जो मेरा नेक्स्ट ट्रिक आता है, आप कैसे आपका व्हाट्सएप पर बहुत सारी हमारे मेम्बर्स रहती है, आप लोग देख सकती हो एक व्हाट्सएप पर बहुत सारी मेंबर्स रहती है, लेकिन अगर आप पार्टिकुलर किसी एक मेंबर के साथ आप कॉन्वर्सेशन करना चाहती हो या किसी मेंबर्स के साथ आप चैटिंग करना चाहती हो उसके लिए आपको यहाँ से आप देख लीजिए बहुत सारी यहाँ से मेंबर है, लेकिन अगर एक मेंबर के साथ आप कॉन्वर्सेशन करना चाहती हो उसके लिए आपको सिंपली एक ट्रिक है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐट द रेट टैप करना है। चलिए मैं ऐट द रेट टैप कर दिया। उसके बाद आप लोग देख सकती हो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने सारे मेंबर्स है सबका नंबर आ गया। उसके बाद आप जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो उसका नंबर टैप करके आप यहां से उसका साथ डायरेक्टली बात कर सकती हो। तो ये था मेरा व्हाट्सएप नंबर ट्रिक नंबर 6। उसका बाद ट्रिक नंबर जो मेरा 7 आता है, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं लेकिन व्हाट्सएप की जो बैकग्राउंड इमेज है उसको देख कर अगर बोरिंग फील होता है, बार बार एक ही बैकग्राउंड देखा था, आप उसको भी चेंज कर सकती हो आसानी से। तो उसके लिए आपको सिंपली बैक जाना है, उसके बाद इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ से चार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप वॉलपेपर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से चॉइस कर सकती हो ग्लैरी सॉलिड, आप यहाँ से कुछ भी चॉइस कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर सॉलिड पर क्लिक करती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से बहुत सारे सॉलिड कलर मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी एक बैकग्राउंड कलर चॉइस कर सकती हो। जैसे मैं एक चॉइस कर लिया, उसके बाद आप लोग देख सकती हो ऑलरेडी मेरे ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, कितना अमेजिंग सी मेरी फीलिंग आ रही है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकती हो आसानी से। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्रिक है, आप कैसे फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकती हो। यस दोस्तों, हम लोग जो किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ चैटिंग करते हैं, तो उसका फॉन्ट स्टाइल एक ही स्टाइल बार बार अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए इस वाला आइकन को सबसे पहले 3 बार टैप करना है। उसके बाद आप जो लिखना चाहते हो लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो आई एम मुन्ना। उसके बाद आपको फिर से वही वाला सिंबल 3 टाइम यहाँ से क्लिक करना है, 1 2 3। उसके बाद आप लोग देख सकती हो मेरे फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। आप इस तरह से अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज करके किसी का भी साथ आप कॉन्वर्सेशन करना चाहती हो तो आप कॉन्वर्सेशन कर सकती हो। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्रिक है, आप कैसे बोल्ड स्टाइल में अपना जो वर्ड स्टाइल है उसमें बोल्ड कैसे टाइप कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार लगाना है, उसके बाद आप जो लिखना चाहते हो लिख दीजिए। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में फिर से आपको वही स्टार टैप करना है, स्टार टैप कर दे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो आसानी से मेरा जो वर्ड स्टाइल है वो बिल्कुल बोल्ड बन गया। आप इस तरह से बोल्ड स्टाइल में भी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकती हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है, आप कैसे इटैलिक में किसी के साथ अगर फॉन्ट स्टाइल इटैलिक में आप लिखना चाहती हो तो इटैलिक में लिखने के लिए आपको अंडरलाइन का सबसे पहले लगाना है, उसके बाद आप जो लिखना चाहते हो लिख दीजिए। उसके बाद फिर से आपको वही अंडरलाइन का लगाना है लास्ट में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे बोल्ड स्टाइल में बिल्कुल ये हो गया। उसके बाद आप अगर स्ट्राइक थ्रू में आप अगर लिखना चाहती हो तो यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू में भी लिख सकती हो, सॉरी फॉर दिस। अगर आप स्ट्राइक थ्रू में अगर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहती हो उसका साथ, उसके लिए आपको सिंपली उसका कीवर्ड में ओपन करना है। उसके बाद आपको ये वाला सिंबल आप लोग देख लीजिए, ये वाला सिंबल सबसे पहले लगाना है। उसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। लास्ट में आपको फिर से वही वाला सिंबल लगाना है। आप लोग देख लीजिए मेरे ये बिल्कुल स्ट्राइक थ्रू बन गया। उसके बाद जो मेरा लास्ट ट्रिक है, आप लोग कैसे लास्ट सीन को हाइड कर सकती हो। यस दोस्तों, अपना जो लास्ट सीन है, आप कब व्हाट्सएप में आए हो, कब गए हो,
अगर वही सिम का आप हाइड करना चाहते हैं, लास्ट सिन देख लीजिए यहाँ पर 9:34 AM, अब अगर आप इसको भी हाइड करना चाहती हो, किसी को नहीं ये शो करना चाहती हो, तो ये भी आप हाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद थ्री कॉन डॉट को आपको क्लिक करना है। कौन कौन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्राइवेसी जाना है। प्राइवेसी जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो लास्ट सीन, तो यहाँ से आप लास्ट सीन पर क्लिक करके यहाँ पर नोबडी कर सकती हो, नोबडी कर सकती हो। उसके बाद नीचे आप प्रोफाइल फोटो पर भी यहाँ पर हाइड कर सकती हो। उसके बाद अबाउट है, उसके बाद स्टेटस है, आप कुछ भी यहाँ से हाइड कर सकती हो। तो ये था मेरा 12 ट्रिक्स व्हाट्सएप, जो आप यूज़ करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हो और आपका जो व्हाट्सएप यूज़ करने का तरीका हो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।